धारम नमो वायरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सभ्य साहूणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैनि धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोताय जाते वै अरहंतादिमान करि मंगली करियो महा ग्रंथ करण की का याते मिले समाज सब पावे निज पदिरा। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छदे वंदितु सर्वसिद्धे द्रोमचलमणोभवं गदिं पत्ते गोच्छामि समय पाहु विणवो सुद केवली भणिधम। समय सार जी कर्ता कर्म अधिकार जो वहां चल रहा है ना, तो एक गाथा जो वहां पढ़ी थी वो पढ़ रहे हैं। तिमिहो ये सुभोगो अप्पवि अप्पम करेदिको अम कत्ता तसोगस्सो ओदिसो अत्तिभावस्सो मे क्रोधयात्मे विकल्पये उपयोगे त्रये विधियाचरे तब जीव उस उपयोग रूप जीव भाव का करिता बने। समय सार जी ग्रंथ है, इसमें प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा। क्या प्रतिज्ञा है? मैं तुम्हें शुद्धात्मा दिखाऊंगा। क्यों दिखाना चाहते शुद्धात्मा? क्योंकि जीव को यदि सुख की प्राप्ति चाहिए तो सुख स्वभाव ही आत्मा की रुचि होना चाहिए। यदि आत्मा को अपने पने नहीं जानेगा तो अपनी आत्मा में सुख है उसे जाने माने अपनाए बिना सुख नहीं आएगा। आत्मा सुख स्वभाव ही होने से सुख नहीं आता, संयोग से दुख लगता है पर संयोग से दुख नहीं आता, संयोगी बुद्धि से दुख। ऐसे आत्मा सुख स्वभाव ही है तो सुख स्वभाव ही होने से सुख नहीं आता, सुख स्वभाव की दृष्टि करने से सुखा। तो ये प्रतिज्ञा है अर्चना। क्या प्रतिज्ञा है? मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊं। कैसा आत्मा दिखाऊंगा? शुद्धात्मा दिखाऊं। उसका शुद्धात्मा का परिचय कैसे दिया? एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊं। एकत्व यानी अपने अनंत गुणों से अखंड एक, और विभक्त यानी मुझसे भिन्न जितना भी जगत है उससे सदा काल जो न्यारा। और फिर उसमें एक शर्त लिखी, निज वैभव से दिखाऊंगा। ऐसे कोई पढ़ के नहीं आया, मैं मुझे खुद ऐसा अनुभव होता है कि मैं आत्मा हूं। मुझे बहुत आनंद आता है, निरंतर झरता हुआ स्वाद में आता हुआ आनंद में भोगता हूं, और सभी जीव सुख के प्यासे हैं। तो ये आत्मा बताना इष्ट है, है? तो ऐसे शुद्ध आत्मा को दिखाने की उनने प्रतिज्ञा की। अब इसमें अनेक अधिकार आए है? और सब अधिकारों में संदीप भैया क्या दिखाएंगे? आश्रय अधिकार में भी क्या दिखाएंगे?
आत्मा के आश्रय नहीं होता, आत्मा तो भगवान होता, ज्ञाता होता। बंध अधिकार में भी ये नहीं बताएंगे कि बंध कितने प्रकार, बंध अधिकार में ये है कि जीव कैसे बंधेगा, ये तो एकत्व विभक्त। अज्ञानी जीव बनता है क्योंकि आत्मा जानता है, इतना बड़ा आगम भरा पड़ा। पर यहाँ तो उस स्वभाव की बात बताएंगे जिसे कोई छू सकता नहीं, जिसे कोई बदल सकता नहीं, जिसका वैभव कभी छूटता नहीं है, जिसमें कुछ आदान प्रदान ग्रहण त्याग कर्ता कर्म पर द्रव्य से नहीं है। ऐसे आत्मा को जीव को कभी ये सुनने भी नहीं मिलती। यदि वो जिनेन्द्र देव के शासन में ना आए पंडित जी, तो बताओ ये कोई कहता कि आत्मा हो? अनंत भगवान तो कह लेगा वो अनंताणम, पर आत्माणम कौन कहेगा? तो प्रतिज्ञ ही है कि संसार में आत्मा नाम की चीज ही नहीं। ये कमर कस के बैठे कि मेरा मोह गया है तो मैं भी चाहता हूं तुम्हारा भी मोह का भाव, मेरी मति व्यवस्थित हुई है तो तुम्हारी भी व्यवस्थित हुई, अपने को मैंने जाना है तो आपको भी अपने आप में प्रीति जगे, ऐसी करुणा बहती ज्ञानी जनों है ना। ये जीव जीव का अधिकार निकल गया, फिर इसके बाद कर्ता कर्म अधिकार आया। तो जीव जीव की बात कर्ता कर्म क्यों आया नेता कि जीव जीव भिन्न भी कहता है तो भी कहता है कि ये हमारे किए बिना कैसे हो। तो उस भूल को निकालने के लिए अभी जब तक जीव के वो भ्रांति नहीं टूटती ना, आत्मा अपने पने नहीं दिखता, तो वो काम काम करता हूं काम काम सिर पे मडरा रहता है। अब इतना अच्छा शिविर चल रहा तो ये बिना किए होगा क्या? आरती जी बिना किए हो रात दिन देखते संजय भैया लगे रहते, वो कुंद कुंद देव कहते हैं भैया हमें तो नहीं दिखता। ये तो कह रहे हमने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा और हमने और आखिरी में ये दो शब्द और देखे, भैया मुंह से मत नाच, ये मेरे काम तो नहीं। अब अपन तो इनकी बलहारी कर रहे हैं कि देखो इनके भाव तो देखो, और ये कह रहे हैं कि हमें सिद्ध दिखता है संजय का जीव, हमें ये करता धरता नहीं दिखता, हमें तो भगवान दिखता। तो बताओ अपन इन्हें करता माने वो अभिनंदन है कि सिद्ध भगवान माने वो अभिनंदन है? सोचो तो जरा किस निगाह से देखते कि ये वस्तु का स्वरूप है ना, प्रकृति का धर्म। अच्छा अलका जी, एक करे बिना कैसे हो जाएगा, कुछ तो करना पड़ता, ऐसे सबको लगता है। बिना पढ़े लिखे लोग तो सिर पे भार उठाते लेके बैठे हैं, अरे जो जैनी है तथा कहते वो भी पूरा भार लेके बैठे रहते, तभी तो सुखी नहीं होते। हर आदमी के चित्त में किसी से भी पूछ लेना, क्या भाई क्यों नहीं आ रहे मंदिर, क्या बात है, बहुत काम डला, बहुत परेशान है, ऐसा ऐसा ऐसा, सबकी भाषा एक ही निकलती, काम है काम है काम। ये कह रहे कि हमें एक भी काम नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता? भूता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता गजब का मार्ग है भाई। ये समझ लो आपको यही मोक्ष दिलाने की ताकत है तो जैन शासन में है और ऐसे महान ग्रंथों में। आप भगवान बनोगे, आपको डमोरंताड़म सिद्धाड़म कहेंगे, ये दशा की बात तो बताएंगे, हमारा आगम भरा पड़ा, परंतु तुम अभी भगवान हो, तुम्हें भगवान बनना नहीं है, तुम्हारा ज्ञान स्वभाव कुदरती नेचुरल प्राकृतिक भगवान, ये किसी की देन नहीं है, किसी का आशीर्वाद नहीं है, किसी के श्राप से इसका कुछ बिगड़ता नहीं है। अर्चना आदिनाथ ने कितने द्रव देखे थे, 6 द्रव देखे थे, और अलका जी और महावीर स्वामी ने 6 द्रव, तो इतने दिन में कुछ बड़े नहीं द्रव। और फिर नरक का काल आया, छठवां साल पांचवा छठवां काल बहुत सब विराधना है, तो कुछ कम जाएगी कि नहीं डॉक्टर साहब? किसी प्रकृति की व्यवस्था है, एक बार आदर आ जाए ना, तेजी से डाले जाए बिना ना, एक बार प्रीति चित्त से सुन, ऐसा लिखा। ये तो बड़ी संतों की भाषा है, तूने कभी चैतन्य तत्व की स्वतंत्रता की स्वावलंबन की शुद्धोपयोग की स्वानुभव की मुनिराजों की अनंत भगवंतों के आनंद की ऐसी महिमावंत बात प्रीति से नहीं सुनी, पद्धति से सुन, प्रीति से सुने और तू संसार में घूमे, वही नहीं सकता। तो ऐसा अधिकार है कि सारा भार उतार दे, भ्रम में जी रहा है जी भ्रम, उसे लगता है कि मेरे बिना कैसे कार्य होगा,
वो भगवान कहते हैं कि तेरे बिना ही पुद्गल के काम हो रहे हैं, क्योंकि पुद्गल में तुम्हारा वर्चस्व नहीं है, ना आप पुद्गल को हटा सकते हो ना ला सकते हो। बेहरा द्रव्य पुद्गल, उसके काना नहीं है कि तुम्हारी विकल्पों की सुनाई, न तुम्हारे ज्ञान उन्हें पहुंचते हैं परिणमन कराने में समर्थ है, न तुम्हारा राग उसमें परिणमन कराने में समर्थ है। तुम्हारे में विवेक हो, समझदार हो, तो तुम अपना भ्रम तोड़ दो कि मैंने आज तक किया है वो करना, शांति से जीता है जी। सुमित बताना, आप भोजन करते तो भोजन पचाने के लिए कुछ प्रयास करते, अपने आप पच जाते, इतना बड़ा काम, खून बन जाता है, सांस चलती रहती, खून दौड़ता रहता है, इतने बड़े काम होते रहते इस प्लांट में। तो भगवान तो कह रहे इतने इसे प्लांट में नहीं, पूरे विश्व में अपनी योग्यता प्रमाण काम। ये अभिप्राय तो बदलना, कुछ कार्यक्रम थोड़े बनाना। ये समय सार है, अपने बड़े पंडित जी कहते विवेक, ये समय सार, बोले तुम बनाओगे एकाध गाथा बनाओ, गाथा के एकाध अक्षर बनाओ, इसमें कमी हो तो बनाओ। तो जो भी ग्रंथ बोले परिपूर्ण, गाथा परिपूर्ण, अक्षर परिपूर्ण, अब परिपूर्ण में कुछ नहीं किया जाता। यदि पूरा नहीं है तो सोचोगे सूरज है, कभी विकल्प आता कि इसमें कुछ करना, मम्मी पापा में कुछ करने का विकल्प आता, पूरा हर द्रव्य परिपूर्ण है तो करने का प्रोग्राम कैंसिल हो जाता, भ्रम है। ऐसे ही अपने को यदि ये जीव आत्मा जाने द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप, तो फिर करने का प्रोग्राम नहीं आएगा, विकल्प नहीं आएगा, यही सम्यक दर्शन लेके जाए। ये तो सर्वज्ञ देह से जुड़ता नहीं, इसलिए इतना बोझ लेके कुछ भी करने की जगह नहीं है, क्योंकि इस विश्व में 6 द्रव्य हैं और प्रत्येक द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, और द्रव्य गुण तो अनादि अनंत है, परिणमनशील व्यवस्था भी अनादि अनंत है। जैसा द्रव्य ध्रुव है, गुण ध्रुव है, ऐसे ही इसकी पर्याय भी ध्रुव है, अपने काल में होती। अब प्रोग्राम बताओ आप क्या करना, द्रव्य में नहीं कर सकते, गुण में नहीं कर सकते, अब कहाँ कर सकते थे अपन, पर्याय में। राग को हटाना है, वो सम्यक दर्शन को, वितरागता को लाना है। कहते तुम्हारा स्वभाव जानने का है कि करने का है, कि जानने का है, तो अपने को ज्ञाता देखोगे तो सम्यक दर्शन आ जाएगा और राग चला जाएगा, और तुम करने में जाओगे तो आत्मा भी छूट जाएगा और सम्यक दर्शन मिलेगा। ऐसा कोई धर्म होगा जो इतना सरल हो सकता? ये जैनियों का धर्म नहीं, कुदरत का धर्म, भगवंतों का धर्म है। सुन के ही प्रसन्न हो जाए। मैंने सुंदरी ने जवाब दे दिया था, पापा ने पूछा बेटा तुम भी वर चुन लो, जैसे सर सुंदरी ने कि पापा आप इतनी चिंता मोल लेके बैठे हो, हमारा पति पहले से जन्म ले चुका, जहां जाना है वो निश्चित, कौन किसी आधार जगत में सब अपने आधार पर को जो आधार मानता वह मूर्ख सर, पापा वो पति निश्चित। अरे बेटा ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करो, कहां से पढ़ के आए, क्या हमें यारिका माता ने पढ़ा, हम तो जैन गुरु से पढ़े। बताओ पाहुपाल राजा ने अपनी प्यारी बिटिया को कोढ़ी को सौंप दिया, ये अच्छा काम किया अलगा के खराब काम? पाहुपाल राजा मैना सुंदरी का पापा और अपनी बेटी को कोढ़ी विकारी जैसी दशा, ऐसा दुर्गंधित कोढ़ और छोड़ रहा, बताओ जैनम सही कर रहा कि गलत कर रहा है? नहीं समझ में आता जीव को। सर्वम सदैव नियतम, पूरी विश्व की व्यवस्था इतनी नियत है तब तो सम्यक दर्शन आता है। यदि व्यवस्थित ना देखे तो मति व्यवस्थित नहीं होगी, तो कर तत्व रहेगा तो ज्ञान फ्री कैसे हो? जब 6 द्रव्य स्वतंत्र, उनके परिणमन स्वतंत्र, सब न्यारे न्यारे दिखाई देते हैं, तो फिर ज्ञान फ्री होता है, तो फ्री ज्ञान ही तो आत्मा देखती, तो बोझ लेके बैठा हो। दूध चुरा है और कभी सामायिक करते जा रहे हो, चरते जा रहे हो, सकती दुख नहीं बन सकते। आप अपने को ज्ञाता भी मानो कर्ता भी मानो, हो सकते दुख नहीं हो सकते। ऐसा समझ में आ गया होगा जब गुरुदेव का आना हुआ इस दिगंबर दर्शन में, तब उनको कितना संजय भी सामना करना पड़ा हो, चाकू से लौकी नहीं छिलती, पेट्रोल से मोटर नहीं चलती,
गुरु से ज्ञान नहीं होता, दवाई से रोग नहीं जाता। हम तो समझते थे स्वामी जी पर करते होंगे। अभी बड़े पंडित जी के पास गए 3 दिन के, तो उन्होंने कहा भाई कैसा स्वास्थ्य। हमने कहा पंडित साहब दवाई भी छूट गई और रोग भी चला गया, बहुत अच्छा चल रहा। तो बोले सही बोलो, मंदिर में वहीं बैठे थे स्वाध्याय, सही बोलो। हमने कहा नहीं नियम नहीं खाते दवाई। अरे दवाई चल रही है तुम्हारी। हमने कहा नहीं खाते पंडित। बोले दवाई चल रही है तुम्हारी इससे ठीक हो। सोच ही नहीं समझ, हम समझ रहे थे कि वो दवाई कहलाती। बोली वो दवाई नहीं, वो उपद्रव है, उससे रोग नहीं जाता है। दवाई पुण्य जिससे आता है पवित्रता के साथ, वो उससे रोग जाता है। तुम्हें भ्रम हो गया और तुम्हारी दवाई छूटना नहीं चाहिए, ऐसा और कहो। अपन समझते हो दवाई से, अरे एक द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं है, सर्वज्ञ देव के ज्ञान में आ रहा। ऐसे में बहुत से प्रश्न उठते थे, ऐसे में कौन मंदिर जाएगा जब कुछ लाभ ही नहीं है, कौन गुरु के प्रति विनय करेगा, काय को स्कूल खुलेंगे, काय को वस्त्रालय खुलेंगे, ये सब प्रश्न उठे। गुरुदेव को समझने में लोग थोड़ी परेशानी पड़ गए। उनने निमित्त का निषेध कहाँ किया था आपको? उन्होंने तो निमित्त कर्तत्व का निषेध किया था, निमित्त की तो स्थापना की थी। उन्होंने कार्य उपादान से होता है, उसके योग निमित्त होता है। निमित्त का निषेध नहीं है, निमित्ताधीन दृष्टि का निषेध। पर सन्मुख हो रहा था जी, मर रहा था। और इसमें समंतवद देव है ना भैया, तो उन्होंने कहा कि अलंग शक्तिर भवितव्य देयम हेतु द्वयो द्वावित कार्य। प्रमाण का काम बताना कि भैया दो कारणों से कार्य होता है, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। तो उन्होंने कहा कि ये जीव एक कारण पकड़ता है और एक नहीं पकड़ता, इसलिए काम नहीं हो रहा। तो इसे कौन सा कारण पकड़ता है? निमित्त का। जो जो कारण वास्तव में नहीं है उसे पकड़ता है, तो बोले इसका काम नहीं हो। दोनों कारण चाहिए। तो दोनों कारण कब मिलेंगे? जब इसका उपादान तैयार होता है, तो योग व्यवस्था निमित्त की प्राकृतिक व्यवस्था होती। तो गुरुदेव ने मतलब निमित्त को मिटाया था कि तुम्हारी निमित्ताधीन बुद्धि को मिटा, और निमित्ताधीन बुद्धि भी नहीं मिटाई, उपादान की सामर्थ्य का ज्ञान कराया, तो निमित्त का लक छूट गया। ऐसा आपको ये बताना, एक उदाहरण दिया परमार्थ वचन का मैं, अज्ञानी गुरु और अज्ञानी शिष्य। और अज्ञानी गुरु कह रहा है पुण्य से धर्म होता है, किसने कहा कि नहीं होता, ये सब बोलो और हजारों लोग सुन रहे। संजीव ये सोचना बताओ, इस गुरु से उन लोगों का मिथ्यात पुष्ट होगा कि नहीं? एक तरफ को गुरु है और एक तरफ खोटे श्रोता है, और ये कह रहा है कि किसने कहा कि पुण्य से धर्म नहीं होता? तो अब देशना भगवान महावीर से हट गई, गलत चल रही, और इसे भी आत्मज्ञान नहीं सामने वालों को नहीं, तो उनका मिथ्यात आप बताओ, इनका मिथ्यात इस गुरु की वाणी से पुष्ट होगा कि नहीं? जैसे परमार्थ वचन का में अज्ञानी वक्ता अज्ञानी श्रोता, ज्ञानी वक्ता अज्ञानी श्रोता, ज्ञानी वक्ता अज्ञानी श्रोता, और ज्ञानी वक्ता और ज्ञानी श्रोता, ऐसे चार उदाहरण थी। चौभंगी बताई, उपादान की चौभंगी और निमित्त की चौ। तो ये क्या बताना है, हर जगह से आपको आपको निर्भर करते भगवान कि देखो ये अज्ञानी गुरु से अज्ञान पुष्ट नहीं हो रहा है, अज्ञानी जीव अपना ज्ञान पुष्ट करते हैं, उसे निमित्त बनाए। क्या कहती भाई, अपन तो समझ के रह गए कहाँ की बनारसी दास जी, कैसे 400 वर्ष पुरानी बात। अज्ञानी गुरु से संसार नहीं चल रहा है, जिनके संसार चलना है उन्हें अज्ञानी गुरु मिलती है। सारा दोष लगाना मिट गया, नहीं तो ये तो जीव आग लगाने बैठे, ये खराब कर रहे, ये बिगाड़ रहे, इन्हें ऐसा कर दिया। अरे प्रभु जिनेन्द्र देव के पास आओ, जिनका खराब होना है उनके लिए टीवी बन गई, मोबाइल बन गया है। तेरा खराब होना तो तेरा मन लगेगा, प्रकृति की व्यवस्था तुम नहीं बिगाड़ रहे ना बना रहे, वो तो बनेगी, क्योंकि बहुत जीवों को नरक जाना, तो वो कोई चीज आना चाहिए ना। हम एक बार पिक्चर चले गए तो हमारी मम्मी के पास खबर पहुंच गई कि ये अपनी पत्नी को पिक्चर ले गया है, तो गांव भर में खबर हो गई थी। अब वो बाद में आ गई टीवी, तो उसमें साथ में बैठ के नहीं देख सकते, अब आ गया मोबाइल, अब खुल के आपको जो देखना देखो। ये कह रहे कि भैया जिन्हें जाना है वही तो देखेंगे, तुम काहे घबराते, आप उसको दोष देते। हम ये कह रहे हैं कि शराब पीने से नहीं बिगड़ते हैं, बिगड़ने वाले शराब पीते, कुछ कुछ कह रही जनवाणी मात।
जहां से हमारी सोच थी वहां से थोड़ी हटा रही है। वो निमित्तों को दोष देने से तुम्हारा कल्याण और अकल्याण का संबंध नहीं है, तो आप अपने को संभाल। अटल विश्व मर्यादा दीपचंद जी उन्होंने लिखा कि ये अपना माँ बाप नहीं संभाला और कुत्ता को भगाने गया, तो एक कुत्ता को भगाने गया तो वो माँ बाप सुरक्षित रहेगा कि नहीं? क्यों नहीं रहेगा? दूसरा खा गया तो गलती क्या हो गई सुमित? गलती क्या हो गई? अरे अपनी सुरक्षा करने के लिए बुद्धि मिली है, दूसरों को सुधारने के लिए। ऐसी ऐसी गजब की बात है, इस अधिकार में भर गई। हम दो लाइनें आपको पढ़ते हैं तो आपको लगेगा ही भगवान कैसे मिल गए। जब हमने इसकी टीका स्वामी जी के प्रवचन सुने, कैसे आ गए अमृतचंद भगवान, क्या टीका लिखते हैं, क्या गजब करते हैं, इतनी महिमा आती है उनको केवली भगवान पर और मुनिराजों पर, अपन कल्पना नहीं कर सकते कि कितना उपकार हो। जो कहते कोई किसी का उपकार नहीं कर सकता, वो उपकार उनको समझ में आता है कि क्या कहलाता हो। बड़े पंडित जी बोले, विवेक भी है, कि जो अकर्ता होते वे प्रकर्ता होते, उनको प्रकर्ता बनाते आचार्यों को, कि जो उनको अकर्तत्व उनसे अपन अपने दोष बताते, जो एक मिनट में पी जाते, याद ही नहीं देता कि तुमने कौन सा दोष बताया, इतने निष्प्रयी और निर्वृत्त चित्त वाले होते। तो अभी हमने जो गाथा पढ़ी कुछ समझ में तो आया नहीं होगा, परंतु ये गाथा अभी वहां चल रही है, इसलिए हमने कहा कि जो नहीं पहुंच पाती वे सुने तो एक बार। इसमें लिखा है कि अज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न होते। क्या कहा हमने सुमित? अज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न होते। अज्ञान किसे कहते हैं अभिषेक? अज्ञान कहते हैं ज्ञान का ज्ञान नहीं होना। सब जीव ज्ञान स्वभावी है कि अज्ञान स्वभावी? ज्ञान स्वभावी। तो ज्ञान स्वभावी होने पर उन्हें ज्ञानी बनाना है कि ज्ञानी है? ज्ञानी है, तो फिर अज्ञान क्या है? जैसे समृद्ध आदमी है परंतु उसे अपने वैभव का पता नहीं, तो उसे दरिद्रता का भेदन होता है, तो वो समृद्ध तो है परंतु उसे पता नहीं। ऐसे ये जीव है तो ज्ञान स्वभावी, पर ज्ञान स्वभावी को पता नहीं कि मैं ज्ञान स्वभावी। आपको कैसे मालूम कि मैं ज्ञान? कि तू ज्ञान के लिए ज्ञेय को देखता है, इससे पता चलता। तू अज्ञान है, अज्ञानता से कैसे गुजर रहा कि सुखी होने के लिए विषयों को पकड़ता है, झपट्टी मारता है, इससे पता चलता तू आत्मा नहीं जानता। संदीप ये मन लग रहा है कि ये कह रहे अज्ञान से कर्म उत्पन्न होते हैं, हम कर्म को हटाने में लगे थे, ये अज्ञान को हटाने के कह रहे। तुम अज्ञान हटाओगे तो मिथ्यात हट जाएगा। मिथ्यात हटाने की कोई दवाई नहीं दे रहे। आपको बुखार आया तो आप बुखार से नहीं लड़ो, आप दवाई खाते हो, तो दवाई खाते बुखार चला जाता है। पंखा चलाना, बाबू जी बताना आप, पंखा चलाने के लिए अपन को पंखा चलाना पड़ता कि बटन दबाना पड़ता? किसी विधि तो देखो आप, चलाना है पंखा और दबाते हैं बटन, ऐसे ही होना है सुखी हो देखते हैं सुख स्वभाव, इसे देखते हैं तो वो दुख की तरफ देखना बंद हो जाता, अपने आप सुखी हो। बाबू जी ऐसा पूछते थे तनु कि हमारे पीछे शेर पड़ गया, हम भागते जा रहे भागते जा रहे, फिर समुद्र सामने आ गए, फिर वहां से भजे कहां जाए, इस तरह भागे, यहाँ आग लगी थी, फिर शेर पीछे पड़े, इस तरह भागे तो यहाँ रीछ खड़ा था, अब बताओ क्या करें? बताओ तन उदयपुर में क्या बताए? ऐसी आपत्ति में पड़ा जीव क्या करे? तो बाबू जी इतनी सरलता से बोलिए कि वह नींद खुल जाए उसको। हमने तो सोच ही नहीं थी कि ये उत्तर दोगे, ऐसा उत्तर दिया कोई कल्पना करे क्यों? ये वो ऐसा न शेर है न समुद्र है, तू तो शांति से बिस्तर पे सो रहा है, यहाँ आ कहां से गया? तो वो सपने देख रहा था, घबरा रहा था, रो रहा था, मम्मी मम्मी, और जैसे ही मम्मी ने कहा क्या हो गया अब बता, क्या हो गया? वही नहीं कुछ, छह द्रव्य में, छह द्रव्य द्रवगुण पर्याय, द्रवगुण पर्याय में शरीर, शरीर में कर्म, कर्म में राग, राग में ज्ञान, ज्ञान कुछ वही तो नहीं, तो ये दवा है इसमें भरी पड़। महाभाग है जिसको कुंद कुंद देव की वचन सुनने मिलते, महाभाग्यशाली, उसे प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। आपने प्रतिज्ञा दिलाई नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा लेनी चाहिए जीवन में, पंच परमागम पढ़ के जाऊंगा, मरने के पहले पूरा करूंगा, चाहे एक एक रस छोड़ के करे, मैं अभी दूध नहीं लूंगा चार महीने,
शक्कर नहीं खाऊंगा, नमक नहीं, कैसे भी तुम्हारी बुद्धि में जैसे समझ में आए, क्योंकि कुंद कुंद देव प्राणों से प्यारे लगने चाहिए। यदि इस काल में हमारा जैन धर्म जिंदा है तो उसका श्रेय हमारे कुंद कुंद भगवान को जाता। गजब कर दिया, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इस पंचम काल में नहीं हुंडा सर्पणी पंचम काल में ऐसा कोई तत्व देने वाला आएगा। जान लगा दी उन्हें, और आज देखो कुंद कुंद नाम ना लिखा हर प्रतिमा मंगलाचरण में, सब गड़धर देव के बाद एकदम से याद किया गया। इस समय साल ना हो तो सम्यक दर्शन की तारीफ ही है बस, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता क्योंकि विधि तो इसमें एक एक प्रैक्टिकल ऐसे प्रयोग दिए गए हैं, बिल्कुल सरल से सरल उदाहरण दिए। चौगड्ढा लौटता है, बताओ ये कोई ये सारा जगह समझ सकते कि भैया चौगड्ढा लौटता है कि चौगड्ढे पे चलने वाला राही लौटता है, बता चौगड्ढा लौटता है, नाम ऐसा है चौगड्ढा लौटता, अच्छा चौगड्ढा लौटता है कि रायगी लौटता है, रायगी, अच्छा और बता रायगी लौटता है कि पैसा लौटता है, पैसा लौटता, और फिर बताना पैसा लौटता है कि प्रणमन होता, तो कल लौटता, यही तो वो समझा रहे कि तुझे भ्रम हो गया, नहीं लौटता ना तेरा कुछ बिगड़ा ही नहीं है ना, यही तो बताने के लिए भगवान कुंद कुंद अभी बहुत दुखी है भ्रम में। भगवान के पास आके फिर दुख का काम ही नहीं, तो अज्ञान से कर्म उत्पन्न होता है। अपन कह रहे हैं ऐसे परिणाम ऐसे परिणाम ऐसे परिणाम, समझ गए समझ गए, तुम ज्यादा नहीं बताओ, डॉक्टर से ज्यादा नहीं बताना पड़ता, वो सब पढ़ के आए, बहुत परिणाम बिगड़ते हैं हमारे। उन्होंने कहा कि तुम सुनो एक काम करो, तुम कौन हो, हम तो आते हो, और कौन नहीं हो, ये सब संयोग हम नहीं, बस इतना सा काम कर लो फिर बताना परिणाम बिगड़ते, अपने को जाने और फिर भी परिणाम बिगड़े, वो तो अपने को नहीं जानता, ये सब हेड़ेंगे। स्वामी जी कहते हेड़ेंगे ही तो पच जाए भैया, कितना अच्छा धर्म हेड़ेंगे ही तो इतनी अच्छी बना देते हैं, सब भार उतर जाए। अज्ञान से कर्म उत्पन्न होते, यानी ज्ञान से कर्म उत्पन्न हो ही नहीं सकते, तुझे आत्मा ज्ञान स्वभावी लगे और फिर कोई मिथ्यात करा के बता दे कि देह को अपना मान। सदा सुखदास जी ने लिखा कि स्वप्न में भी देह अपना नहीं लगता, भले कहे कि मुझे भूख लगी, नहीं लगता तो नहीं लगता, रुचि तो पलट गई। क्या कहा आरती, काय से कर्म उत्पन्न होते हैं, तुम्हें अपने बेटे का राग आता है कि नहीं आता है, कि पति परमेश्वर सास देवी देवता सब दिखते हैं कि नहीं घर में बैठे, तो क्यों दिखते हैं, क्योंकि आरती मानते, क्यों आरती मानती, क्योंकि आत्मा नहीं मानती, इतनी सी पढ़ाई करा, आत्मा मानो तो आरती नहीं मानोगे, आरती नहीं मानोगे तो पति और परमेश्वर सब अलग न्यारे हो जाएंगे, हमें विकल्प मिटाना पड़ेगा कि मिट जाएंगे, कितनी सरल दवाई है ये, भगवान मुफ्त में बांट रहे। अब देखना बहुत सरल से उदाहरण गाथा कह रहे, तीन प्रकार का, पांच मिनट और ले लें, पांच बजे तक, तीन प्रकार का यह उपयोग, तीन प्रकार का यह उपयोग, उपयोग कितने प्रकार का होता है, एक प्रकार, कौन से एक प्रकार है, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग और शुभ उपयोग अशुभ उपयोग शुद्ध उपयोग, कितने प्रकार के अलग कितने प्रकार उपयोग, कितने प्रकार के आत्मा, कितने प्रकार का तो उपयोग, कितने प्रकार का, एक ही प्रकार का। अब ये तीन कह रहे तो कैसे कह रहे, वो कह रहे हैं कि आत्मा का ज्ञान स्वभाव, जब ज्ञान स्वभाव से ज्ञान स्वभाव नहीं देखते तो फिर रंग बिरंगा दिखता है, फिर वो अज्ञान हो जाता, जब ज्ञान में ज्ञान नहीं प्रसिद्ध हुआ तो वो ज्ञान कहलाएगा अज्ञान, तो अज्ञान में क्या दिखेगा, देह अपनी दिखेगी, विषय में सुख दिखेगा, घी से ज्ञान दिखेगा। अब तो तीन प्रकार का उपयोग यानी तीन प्रकार का परिणमन, मिथ्यात अज्ञान असंयम, किसे हुआ डॉक्टर साहब ये तीन प्रकार का परिणमन, अज्ञान, अज्ञान क्या है, अपने को ज्ञान स्वभावी उपयोग स्वभावी चैतन्य स्वरूपी आत्मा नहीं जाना, तो क्या जाना कि जो जाना वो सब झूठ जाना, जैसा जाना वैसा है ही नहीं, एक उपयोग और तीन प्रकार का उसका परिणमन, मिथ्यात अज्ञान असंयम रूप चलेगा। अब वो कहते हैं कि क्यों चलता, उसके हेतु तो देखो ऐसे दिए, अब से भैया आप नहीं आए थे ना कल दो दिन, इसमें देखना अमृत चंद देव के शब्द,
वास्तव में यह सामान्यतया सामान्यतया एक शब्द का सच्ची पूछो तो एक ही गलती है कि तू अपने को आत्मा नहीं जानता। इतनी सी समेट लिया उन्हें, आत्मा नहीं जानता, इतनी यानी जाननहार है और ये मानता नहीं कि मैं जाननहार हूं। इतनी अज्ञानता है। अब वो कहते सुनो ये अज्ञानता, अब हम डिटेल बताएं, इससे हो गया है श्रद्धा में विपरीतपना, इससे ज्ञान में विपरीतपना और आचरण में विपरीतता, तीन आई, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरत रूप, तीन प्रकार का स्वीकार चैतन्य परिणाम। ये तेरी ही परिणति में विकार तेरी पर्याय में चल रहा है, किसी ने कराया नहीं। आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी होने पर भी आत्मा में परिणमन में ये मिथ्या अज्ञान संयम चल रहा है। क्यों चल रहा है देखना, इसका हेतु दे, क्योंकि वह पर के और अपने अविशेष दर्शन से यानी अलग अलग है कि नहीं जो बताओ, शिवभूति मुनि ने क्या समझा था, छिलका भिन्ने और दाल इतने पढ़ा था, तो अलग अलग थे कि एक मेक थे। मूंग की दाल का रंग क्या है आरती, अर्चना मूंग की दाल का रंग क्या, नहीं समझ में आता, हाँ बताओ सहेली, केले का रंग क्या है, हरा है कि पीला, इतनी से कह रहे हो अविशेष दर्शन से, यानी दिमाग ही नहीं लगाना चाहता, ये पशु जैसा बैठा रहता है, मतलब ज्ञान को थोड़ी होमवर्क दे रहे हैं। भाई साहब आपको इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई तो पढ़ लेते सीए भी है कि इतना नहीं समझते कि मैं कौन हूँ कौन नहीं, इतनी सी पढ़ाई, अविशेष दर्शन से जैसे पशु को केला दो तो बिना छीले खाएगा, हाथी घास और मेवा को एक मेक कर खाता है, स्वाद कहाँ फीके मीठे का सबको साथ चबाता है, ज्ञान राग और चैतन्य एक संग जिसको अनुभव आता है उसको कैसे मिले आत्मा, वह संसार बसाता, वेद ज्ञान के बिना त्याग बेकार तपस्या कोरी है, सदगुरु बार बार समझा रहे, राग बंद की डूरी, अरे अज्ञान बंद की डूरी। डॉक्टर साहब दो है कि नहीं, केला में छिलका अलग है और दल अलग, दाल में छिलका अलग है और दल अलग, अच्छा अब मनुष्य पर्याय में लगाओ, डॉक्टर साहब में लगाओ अबे डॉक्टर कौन अबे इंजेक्शन कौन लगा, ये सिखाएंगे इंजेक्शन लगाना, भाई साहब डॉक्टर नाम का कोई द्रव्य नहीं होता है, ये तो सब उपाधि है, दो मिनट में आप डॉक्टर हो और अभी वकील साहब के यहाँ पहुंच जाओगे तो कौन बन जाओगे, और बस में पहुंच जाओगे तो क्या हो जाओगे, तो नाम अनेक धराए, तो एक आध तो पक्का करो कौन, कि पक्का तो यही बता सकते जो कभी बदलता है। पहली गलती क्या बता रहे, अविशेष दर्शन से, उसे भाई क्या गजब की पकड़ है, अमृत चंद देव के वचन है, ये ज्ञान मिला था इसे जैसा है वैसा समझने के लिए और ये देखने नहीं चाहता। अच्छा बताओ मैं मुनि हूं माने तो बताओ क्या गलती, प्रशांत जैन मैं मुनि हूं, किसी ने दिगंबर मुनि ने अपने को मुनि मान लिया तो क्या गलती, हमें मिथ्या दर्शन नहीं पूछना, गलती क्या होगी, तुम तो शास्त्र पढ़ के बताने लगते, हम तो ये पूछ रहे हैं कि अरे आत्मा है उसके साथ शरीर है और शरीर और आत्मा को एक मानना, ये तो देखो ऐसा कहा बड़े पंडित जी ने कि चिड़िया को ये नहीं पता कि मैं चिड़िया हूं, परंतु चिड़िया के शरीर में उसे आम चलता रहता है, अज्ञान धरा अज्ञान हम आके अंचल में जो छिपकर पल पल, अरे उसे ये नहीं पता कि मेरा नाम क्या है, हाथी की इतनी सी आंख, उसे पड़ा सा शरीर कुछ नहीं दिखता, वो कितना एकत्र, सोचो ज्ञान कोई अलग चीज है जो वस्तु को देखने नहीं दे, और आप देख सकते, इसलिए सब मंगल काल आ गया, अवशेष दर्शन बंद हो जाएगा, सम्यक दर्शन ले जाओ, ये समझता है सम्यक दर्शन आत्मा के जानने से हो जाएगा, ये कह रहे हैं कि भेद ज्ञान से हो जाए, आपको थोड़ी सी अंतर है, तुम समझ रहे कि आत्मा जान लोगे तो हो जाएगा, वो कह ऐसे आत्मा जानो जैसे,
ये साथ में देह रहेगा, ज्ञान में भी दिखेंगे, राग आएगा और तुम्हारा आत्मा ना देह रूप हुआ, ना गे रूप हुआ, ना राग रूप हुआ, ज्ञान तो ज्ञान रूप रहा, ऐसा जानोगे तो सम्मित। आप मेहनत नहीं करना चाहते, रटी रटाई रामायण वो तो मिथ्या दृष्टि, ऐसा नहीं सुनना चाहिए। देह जीव को एक गिनेगा तो मिथ्या दृष्टि, देह जीव को अलग अलग देखेगा तो मिथ्या दर्शन नहीं। नग्नता से मिथ्यात नहीं आता है, मिथ्यात काय से आता है, अपने को शरीर से नाप। अविशेष दर्शन से, अविशेष ज्ञान से और अविशेष चारित्र से। और क्या करता मानो, कितना सुंदर शब्द डाला विवेक, भेद को छिपाता है। क्या गजब के ऐसे, अपन तो कल्पना नहीं करेंगे कि ये अमृतचंद कोई गजब का जीव आया था। ये कह रहे कि भेद को छिपाता है, यानी इसे सब पता है कि केले का छिलका अलग होता है और केले का दल होता है, परंतु ये जैसे पशु होता है ना, वो सोचने नहीं चाहते। ऐसे ही इतना समझदार, दुनियादारी में तो सब अकल काम करती, इसे समझ में नहीं आता ये कितने लोगों के देह छूट गए, परिणाम बदल गए, कर्म निकल गए, राग बिल्कुल चोला बदलता रहता है, फिर भी जो छोड़ के चला जाता उसे दिन भर पकड़े रहता है, और जो ज्ञान कभी छोड़ता नहीं उसका नाम नहीं लेता, ये भेद छिपाता है, यानी ये मायाचारी करता, आड़ डालता है, इसे आत्मा को तिरस्कृत करने का पाप लग रहा। 24 घंटे 7 कर्मों का आश्रय होता है मिथ्या दर्शन, 24 घंटे। गलती क्या हो गई, ज्ञान का प्रयोग नहीं कर, भेद कुछ छिपाता, समझता सब है, समझना समझ में सब आता है, पर समझने नहीं चाहिए। इस तरह से गजब की बातें अपन समय आने पर इसकी चर्चा करेंगे। अपने को क्या देखना है, भोजन करते समय भी, करते समय यानी होते समय भी अपने को क्या देखना, आरती उपयोग स्वरूप, भोजन कर रहा हूं कि जान रहा हूं, अभी यहां से उठोगी कि नहीं सैली, यहां से उठ के जाओगी कि बैठी रहोगी, है जा रहे हैं तो जान रहे, जान रहे, इसी आदत में लाना पड़ेगा। ये जीव अनंत काल हो गए ना विपरीत पढ़ाई पढ़ते पढ़ते कोमा जैसी स्थिति में, अब कोई महा चिकित्सक मिल गए, अध्यात्म विद्या विशारद मेंटल हॉस्पिटल में अपन लोग अपन आ गए हो, और कुंदकुंदेव जैसे चिकित्सक मिल गए हो, तो वो अपन को बार बार कहेंगे यू आर सोल, यू आर जीव, यू आर गॉड, यू आर ज्ञायक, ऐसे बार बार कहेंगे, और अपन खूब आदर से स्वीकार, वाह प्रभु प्रभु आपने एक ज्ञायक सहजा।